कोरोना महामारी से जूझ रही जनता को बिजली विभाग ने जोर का झटका दिया है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बिजली बिल माफ करेगी, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने आम आदमी को जोर का झटका देते हुए 75 लाख ग्राहकों को जल्द बिल न भरने पर बिजली कंस्ट्रक्शन काटने का नोटिस जारी कर दिया है। महावितरण ने अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष तौर से या SMS के माध्यम से नोटिस भेजना शुरू कर दिया था। नोटिस में यह साफ कर दिया गया था कि अगर 15 दिनों के अंदर बिजली बिल नहीं भरा गया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा, जिससे नाराज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ घुग्गस में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी सरकार की पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया। भाजपा ने लोगों को बिजली बिल से तत्काल राहत देने की मांग करते हुए गुगुस महावितरण कार्यालय में ताला मार दिया। आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेता चंद्रपुर जिला अध्यक्ष देवराव बोगले ने BCN से बात करते हुए कहा कि विधानसभा के अधिवेशन में सरकार की ओर से ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया था कि 100 यूनिट तक बिजली बिल में राहत देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। प्रदर्शन के दौरान BJP ने महाराष्ट्र सरकार पर महामारी के बीच राज्य की जनता की दुर्दशा की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र की जनता बेरोजगारी व गरीबी से जूझ रही है और सरकार गरीबों को राहत देने की बजाय लोगों को बिजली कंस्ट्रक्शन काट कर आम आदमी की चिंता बढ़ा रही है। आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष देवराव भोंगे, भारतीय जनता पार्टी तालुका अध्यक्ष नामदेव डाहुले, भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री विवेक बोढ़े, भाजपा जिला महामंत्री अनिल डोंगरे, पंचायत समिति पूर्व उपसभापति निरीक्षण तांडा, पूर्व सरपंच संतोष नूने, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य शामिल थे। कोरोना काळातील गरिबांचे माफ व्हावे या मागणीसाठी महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाने आतापर्यंत अनेक वेळा आंदोलन केले। आम्ही सरकारला विनंती केली की या कोरोनाच्या काळामध्ये लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जे गोर गरीब जनता होती त्यांचं पोट अगदी हातावर पोट होतं, अनेकांचा रोजगार गेला आणि कोरोनाच्या काळामध्ये लोकांना अवाच्या सव्वा बिलं आले, वाढीव दराने बिल आले, आवाज भी बिल आले। आम्ही सरकारला वारंवार विनंती केली की आपण विजेचं बिल माफ करावं। सरकारने सांगितलं होतं विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये की आम्ही महिन्याला 100 युनिटचं बिल माफ करू। मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही लोकांची विजेचं बिल माफ करू। BCN न्यूज के लिए घुग्गुस से सदन बाबू रेनकुंटा की रिपोर्ट।